इस दिवाली को मनाए रावत स्टोर्स की आकर्षक सेल के साथ। छतरपुर का आपका अपना विश्वसनीय संस्थान रावत स्टोर्स लाया है दिवाली की खरीदी पर आकर्षक डिस्काउंट। ऑनलाइन से सस्ता और विश्वसनीय संस्थान रावत स्टोर्स। यहां पाएंगे हॉकिंस प्रेस्टीज, विनोद, मेयर के कुकर्स, नॉनस्टिक कुकवेयर्स, ट्राई प्लाई कुकरवेयर की संपूर्ण रेंज आकर्षक डिस्काउंट के साथ। लाओपालो, रॉक्स, बोरोसिल, टेरियो के साथ हाइलक्स, बाइट गोल्ड की इंपॉर्टेंट कुकरी की विशाल रेंज, मिल्टन, सेलो, जेपी, ऋषभ कंपनियों की संपूर्ण रेंज, स्टील, पीतल, कांसा, तांबा बर्तनों की आकर्षक श्रृंखला के साथ आकर्षक डिस्काउंट। रावत स्टोर्स पर है इतना कुछ कि आपकी दिवाली हो जाएगी शानदार। तो चले आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पता वही है, रावत स्टोर्स, उपभोक्ता भंडार के पास, चौक बाजार, छतरपुर। फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 9131466011। आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना प्रभारी बरासो और थाना प्रभारी मेहगांव को मुखबिर से सूचना मिली कि योगानंद के पुरा के खेतों पर 5 लोग एक स्कॉर्पियो गाड़ी लिए हुए तार चोरी की फिराक में खम्भों के पास खड़े हैं। सूचना पर पुलिस अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा, बाकी 3 आरोपी खेत में खड़ी फसल का लाभ उठाकर भाग गए। बाद में रंगे हाथों पकड़े गए दोनों आरोपियों से मौके पर से बिजली काटने का सामान और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी 5 लोगों की गैंग है और भिंड जिले में पिछले 4-5 माह से शासकीय बिजली के तार चोरी में सक्रिय है। अभी तक जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 9 बिजली के तार की चोरियां की गई हैं, जिनमें लगभग 32,80,000 रुपए के बिजली के तार जब्त किए गए। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये तार कटिंग की चोरी की घटनाओं को करना कबूल किया गया। उन्होंने कोई करीब 9 चोरी की घटनाओं को बताया। उनके आधार पे जो उन्होंने बताया था, उनके साथियों की पहचान की गई और उनके साथियों और उनसे पूछताछ में जो जिन कबाड़ियों और अन्य लोगों को वो माल बेचते थे, जिन व्यापारियों को बेचते थे, उनको पुलिस ने इसमें राउंडअप किया है। करीब कुल 8 लोगों को पुलिस इसमें गिरफ्तार कर चुकी है और उन सभी की निशादेही पे बताए गए स्थानों पर जब दबिश दी गई तो वहाँ से करीब पुलिस ने लगभग पूरा ही माल पुलिस ने इसमें बरामद किया, करीब 18 क्विंटल माल और साथ में जो उनकी गाड़ी जो उपयोग करते थे, ऐसे कुल करीब 32,80,000 के आसपास का मुस्तुका पुलिस इनसे बरामद करने में सफल रही। सर, इस वारदात को देने के पीछे मकसद क्या था? ये बेसिकली ऐसे तार को चोरी करते थे और ये तार चोरी करके कबाड़ियों के माध्यम से इसको व्यापारियों में बेचते थे, जो इनको गलाकर कुछ अन्य कामों में उसका प्रयोग लाते थे और इसको बेच कर जो वो पैसा मिलता था उसका ये लोग फिर अपने उसके लिए उपयोग करते थे। इसमें ये लोग पूर्व में भी कई कुछ जगह उन्होंने चोरी करी है, तार चोरी की, और जिसमें हमारे पास जानकारी मिल जाती है, उन्होंने जब घटना को अंजाम दिया था तब इनमें से जो मेन लोग थे वो पकड़े भी गए थे और अभी इनकी और हम लोग जानकारी ले रहे हैं